ये डाबा सेमर रोड है और इसको इलाहाबाद रोड के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे जस्ट इसके साइड में ये स्टेडियम है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स इंटरनेशनल स्टेडियम है ये। तो आइए इसके अंदर का मैं आपको, इसके अंदर की सारी जानकारी मैं आपको देता हूँ जितना मुझे पता है। बाकी चीज़ें आप लोग ऑनलाइन करके भी चेक कर सकते हैं। इसके गाइज़ वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये अपना छठा व्लॉग है। तो आज हम लोग आए हैं ये डाभा सेमर में, एक स्टेडियम है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल स्पोर्ट स्टेडियम है ये। फैजाबाद का सबसे बड़ा स्टेडियम है इंटरनेशनल, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी। ये इसका फ्रंट है, ये पड़ता है इलाहाबाद रोड पर, ये स्टेडियम पड़ता है। ये इसका फर्स्ट गेट है स्टेडियम का। तो इसके अंदर की ये पूरी बिल्डिंग है और ये मैं अभी आप लोगों को पूरा दिखाऊंगा ये सारी चीज़ें। किसी कारणवश ये भी, इसकी जो प्रोग्रेस है वो रुक गई है, ये भी बनना बंद हो गया है, बट इन फ्यूचर ये फैजाबाद का सबसे बड़ा स्टेडियम रहेगा। और इधर सारी, मतलब सारी फैसिलिटीज़ भी हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे खेलने भी आते हैं, यहाँ के जो रहते हैं जिनका एडमिशन वगैरह हुआ है वो लोग भी। और आगे इसमें स्विमिंग भी है, बैडमिंटन कोर्ट भी है, मतलब इसमें सारी चीज़ें हैं। जैसे कि मैंने बताया ये पहला गेट है और इसका जो दूसरा गेट है वो और पीछे है। तो ये स्टेडियम काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो ये इसके अंदर का ये वहाँ वाहन और साइकिल स्टैंड है इस साइड से जाके। और ये अनुभव भाई आए, जैसा कि आप लोगों ने हमारी वीडियो में देखा होगा, ये बहुत ही स्मार्ट आदमी है, फैजाबाद के बहुत ही हैंडसम है। शाहरुख खान वाला पोज कर दो यार अनुभव भाई एक बार। ये और ये इनको कोई पहचानता है? कौन भाई, कौन हो, अपना नाम बताओ। आप कहाँ के रहने वाले? तो आइए अब अंदर आपको दिखाते हैं। आशुन आई, तो ये सारी बिल्डिंग है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही बड़ी इसकी बिल्डिंग है। और अभी जैसा कि मैंने बताया ये अभी बन नहीं रहा है, ये किसी वजह से ये रुक चुका है बनना, इसका प्रोग्रेस काम का रुका हुआ है। कंस्ट्रक्शन अभी आप लोगों को दिख जाएगा कि सीख वगैरह बाहर ही निकली हुई है, लेकिन अभी कुछ प्रॉपर इस पर हुआ नहीं है। देख रहे हैं आप लोग कितने मोटे मोटे पिलर यहाँ के हैं। ये जिस टाइम ये बनकर तैयार हो जाएगा उस टाइम इसकी बहुत प्यारा ही ये दिखेगा और फैजाबाद का इंटरनेशनल रहेगा ये। ये तो है ही है। ये देखिए इधर इसका सेकंड फ्लोर भी बना हुआ है, ये जैसे कि एंट्री होती है रियल स्टेडियम में भी सेम वैसा ही है। तो अभी आपको मैं आगे का भी दिखाता हूँ। रूम्स वगैरह भी बने हैं, जैसे कि प्लेयर्स जो रेस्ट करते हैं, रेस्ट रूम वगैरह भी, मतलब सारी चीज़ें इसमें बनी हुई हैं। ये देखिए ये इसकी फील्ड है यहाँ की। अभी मैं बीच में जाता हूँ वहाँ पे, तो आपको बीच से मैं दिखाता हूँ इसका पूरा व्यू कैसा है ये। अब ऑलमोस्ट मैं इसके मिडिल में आ चुका हूँ। धूप बहुत है लेकिन मैंने सोचा कि शूट कर लेता हूँ मैं ब्लॉग, क्योंकि हम लोग इधर आए हुए थे किसी काम से। तो मैं, ये देखिए मिडिल में हम लोग आ गए हैं। उस तरफ से भी एंट्रेंस का है और इधर से भी है और उधर से भी, इस तरफ से टोटल 4 से 5 हैं एंट्रेंस इसके गेट हैं। और इधर जैसे कि फील्ड देख रहे हैं, इसमें कैपेसिटी भी है इस फील्ड की, इतनी कैपेसिटी, वो मैं अभी आगे मेंशन कर दूंगा कि कितनी कैपेसिटी है या कैसे है। तो ये है स्टेडियम के अंदर से व्यू इसका, ये स्टेडियम के बिल्कुल अंदर से। और आप लोग जैसे कि देख रहे हैं ये कितना ही बड़ा स्टेडियम है। ये वहाँ पे सीढ़ियाँ भी बहुत ऊपर तक हैं, ये आपको अब दिखेगा। ये देखिए जूम कर दिया मैंने, आप चेक कर लीजिए ये। तो हम लोग इधर से जा रहे थे तो हम लोग ने सोचा कि शूट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा कि डेली व्लॉगिंग पूरी कोशिश की जाएगी, जो होगा वो दिखाया जाएगा, लेकिन अभी इतना हम एक्सपर्ट हैं भी नहीं कि हम कर पाएँ, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे करने की। बाकी और भी सारी चीज़ें आपको दिखाते रहेंगे अपने दूसरे नए नए व्लॉग्स में। बाकी अभी हम आपको बैडमिंटन कोर्ट भी दिखाते हैं उधर से, और उससे पहले अगर स्विमिंग का पड़ गया तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ इधर से। लोग स्टेडियम के सेकंड फ्लोर पे आ गए, जो मैंने आपको फ्रंट से दिखाया था, ये इसका सेकंड फ्लोर है, यहाँ से इसका रास्ता, और ये रहा स्विमिंग वाला, और उधर बैडमिंटन होगा। तो अभी हम लोग सेकंड फ्लोर पे आ गए हैं।
जैसा कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे तो पत्थर वगैरह भी लगे हुए हैं सेकंड फ्लोर पे, यानी कि इसका काम बहुत ही तेज़ी से चल रहा था बट किसी कारणवश रुक गया हुआ है। वायरिंग वगैरह सारी कुछ हो गई, नीचे तो वायर्स भी डल चुके हैं, तार वगैरह भी इन लोगों ने डाल दिया हुआ है। ये देखिए जैसे कि पत्थर लगे हुए हैं, ये यहाँ से दिखेगा पत्थर वगैरह लगे हुए हैं बट ये रुक गया। आप लोग भी सर्च कर सकते हैं इसके बारे में, ज़्यादा डीप नॉलेज अगर आप लोगों को चाहिए होगी तो। इसका नाम मैंने बताया हुआ है क्या है, ये बोर्ड्स वगैरह भी यहाँ पे लगे हुए हैं। खीरा देख रहे हैं आप लोग कितना बड़ा है ये, उधर से वहाँ हम लोग वहाँ से आए थे, सीढ़ी वहाँ पे थी, वहाँ से हम लोग ऊपर से आए थे वाले एरिया के पास आ चुके हैं, जैसे कि मैंने आपको वहाँ से दिखाया था। ये उधर सीढ़ी से मैं चढ़ा हुआ था, कहाँ गई सीढ़ी, ओए अरे अरे यहीं पे सीढ़ी है, ये रही था यहाँ पे। अब ये स्विमिंग का एरिया है, मैं आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ, वैसे तो अभी ये बंद है, बाहर से आपको दिखाऊँगा। ये देखिए ये स्विमिंग का एरिया है पूरा, ये पूरा स्विमिंग का एरिया है और यहाँ भी ये भी बहुत बड़ा बना हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं। मुझे लगता है वो सबसे थोड़ा डीप होगा उस साइड वाला और ये वाला थोड़ा सा कम होगा, इतना मुझे नॉलेज नहीं है इसके बारे में, लेकिन जो भी है ये रहा। तो हम लोग फुटबॉल कोर्ट की तरफ आ चुके हैं, जो मैंने आपको पहले बताया कि ये बैडमिंटन कोर्ट था वो नहीं था, उसके जस्ट साइड में ही बना हुआ है ये, इस साइड में है बैडमिंटन कोर्ट और ये रहा इसका फुटबॉल ग्राउंड। ये इस पर भी अभी ताला लगा हुआ है प्रॉपर, ये नहीं है बट मैं आपको दिखा देता हूँ फिर भी जूम कर। तो ये रहा फुटबॉल ग्राउंड जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया, और आगे जो बिल्डिंग्स हैं फैकल्टी की बिल्डिंग वगैरह हैं वहाँ पे, वो सारे लोग वहाँ पे रहते हैं इसके उधर, और वहीं पे बैडमिंटन कोर्ट भी है, उधर पानी की टंकी है। तो ये था पूरा अपना इंटरनेशनल स्टेडियम का व्यू, बाकी और भी चीज़ें जैसे कि यहाँ प्रोग्रेस होता रहेगा हम लोग, मैं आपको दिखाता रहूँगा अपने आगे के ब्लॉग्स में। तो अब हम लोग निकल चुके हैं यहाँ स्टेडियम से, अब हम लोग आपको मेन गेट का इसका व्यू दिखाते हैं कि जहाँ से हम एंटर करते हैं स्टेडियम में, वहाँ से अंदर आने के बाद ये सारी चीज़ें रहती हैं।